श्री रमाकांत गोस्वामी के साथ मिलकर इस घोटाले को दबाने की पूरी कोशिश करी। ये जो हमें सबूत आया था रमाकांत गोस्वामी के साथ राजेंद्र कुमार एस ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के, इसके साइन थे। अच्छा, और इन्होंने इस घोटाले को दबाने की कोशिश करी। उसके बाद हमने आरटीआई डाली एंटी करप्शन ब्रांच में कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ खासकर पिछले 3 सालों में और कौन कौन सी शिकायतें या कौन कौन से मामले हैं, तो एंटी करप्शन ब्रांच ने हमें लिख के दिया कि 7 इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। और खासकर ये जब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे तो इन्होंने काफ़ी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिए थे कुछ कंपनीज को जो बिल्कुल इलीगल तरीके से दिए गए थे। उसमें काफ़ी आरटीआई के दस्तावेज आए थे जो हमने एंटी करप्शन ब्रांच को भी दिए कि ये मामला बनता। तो उसमें से जो हमें पता लगा कि एंटी करप्शन ब्रांच ने एक मामला सीबीआई को, जब इन्होंने अनियमितताएं करी थी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, वो सीबीआई को इन्होंने ट्रांसफर किया था, जिसमें एक और कोई सिविल सर्वेंट था उन्होंने भी एक कंप्लेंट डाला था। तो वो मामला सीबीआई में गया जिसके कारण आज ये रेड हुआ है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का जो घोटाला था उसके मामले। सर, इसमें बताया जा रहा है कि किसी